गुजरात के बाढ़ पीड़ित बनासकांठा जिले के जेतड़ गांव के करीब 80 किसानों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ितों ने मदद के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन कलेक्टर की ओर से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। सरकार के आश्वासनों से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बायकॉट की सोच रहे हैं। दरअसल बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इन किसानों को मुआवजे के नाम पर एक ढेला तक नहीं मिला है। जेथड़ गांव के किसानों का कहना है कि सरकार ने सर्वे तो करा लिया है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं दी। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि कई गांवों में यही हाल है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी क्या गुजरात सरकार इन किसानों को मदद पहुंचाती है, या फिर ये किसान चुनाव का बहिष्कार करेंगे या नहीं। गौरतलब है कि गुजरात की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की दलील थी कि गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान में देरी होने की वजह बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाना है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।